अगर प्रैक्टिकल देखा जाए ना भाई, तो अपने इस स्टीरियो में और अपना जो टॉप मॉडल का स्टीरियो है जो कि टच में आता है, इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है और वो है अपना। हेलो भाई, मैं उनकी जांगड़ा, वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो को थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हाँ भाई, आज हम बात करेंगे अपने स्टीरियो के बारे में, क्योंकि देखो भाई, जो ZXi में जो टॉप मॉडल में जो स्टीरियो आता है वो टच में होता है, और उसके बारे में सब लोग बताते हैं इसमें ये फीचर वो फीचर है, लेकिन जो अपना VXi में जो आता है स्टीरियो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो भाई आज हम इसी में बात करेंगे कि इसकी इस स्टीरियो में क्या क्या फीचर आते हैं। तो देखो भाई, प्रैक्टिकल देखा जाए तो इसमें और उसमें सिर्फ अपना दो चीज़ों का फ़र्क है, एक तो भाई वो अपना टच में आ जाता है, दूसरा उसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो आ जाते हैं। बाकी मेरे को लगता नहीं भाई इन दोनों में कोई भी और डिफरेंस होगा। शुरू करते हैं भाई, दिखाता हूँ आपको इसके फीचर। तो देखो भाई, यहाँ पे अपना वॉक्स लग जाती है, इधर पे पेन ड्राइव लग जाती है, और भाई ना देखो इसमें जैसे अपना यहाँ पे वो लगाते हैं पेन ड्राइव वगैरह, तो यहाँ पर अगर चार्जिंग की केबल लगा लेंगे तो आपका फ़ोन भी चार्ज हो जाता है इससे, लेकिन काफ़ी स्लो चार्ज होता है। उसके बाद भाई आते हैं अपना इधर पे, ये अपना भाई गाना आगे करने का, गाना पीछे करने का है। ये भाई अपना वॉल्यूम का, इससे वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाती है, प्लस अगर इसको हम दबा के रखते हैं तो अपना जो स्टीरियो बंद हो जाता है, मतलब बिल्कुल गाने वाने सब कुछ बंद हो जाएगा, और एक बार दबाएंगे तो ये चालू। अपना फ़ोन उठाने के लिए और ये फ़ोन काटने के लिए, फ़ोन आता है तो इसमें भाई शो करता है पूरा, तो सारे नोटिफिकेशन भाई इसमें आ जाते हैं, जैसे अपना टॉप मॉडल में आता है ना वो सारे छोटी स्क्रीन में भी आ जाते हैं। भाई यहाँ पे दे रखा मोड का ऑप्शन, मोड इसमें एक तो आता है ब्लूटूथ का, दूसरा अपना आता है FM रेडियो का, और दूसरा भाई ये AM है, ये पता नहीं क्या रेडियो की तरह ये भी कुछ ना। अब मैंने डिस्प्ले लिखा है ना इस पर भाई, एक तो यहाँ से बैक भी होता है और दूसरा डिस्प्ले बंद हो जाता है, मतलब आपके गाने वाने चलते रहेंगे, गाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको रात में चुभ रही है इसकी लाइट तो इसको अगर आप दबा के रखेंगे तो ये डिस्प्ले गायब हो जाएगी, एक बार दबाओगे तो ये अपना वापस बैठ जाएगा। मेन्यू में चलते हैं भाई, तो सबसे पहले तो इसमें साउंड की सेटिंग है, तो देखो इससे अपना ऊपर नीचे स्क्रॉल होता है और इसी से अपना सेलेक्ट होता है, इससे कुछ काम नहीं होता भाई, इसका बस वॉलीबॉल वगैरह काम अपना मेन जो है सारा यहीं से होता है। तो पहले साउंड में जाते हैं, सबसे पहले भाई हमको इक्वलाइजर मिल जाता है, इसमें फ्लैट रॉक क्लासिक बहुत सारे मोड आप कस्टम भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे भाई अपना बेस सेलेक्ट करने का आता है कि बेस आपको माइनस में चाहिए, प्लस में चाहिए, चाहिए ही नहीं जो भी है, ट्रिपल 3-4 के आसपास रखता हूँ भाई, अभी अपना माइनस प्लस सब में जा सकता है। उसके बाद भाई अपना बैलेंस, बैलेंस की बात करें तो भाई बैलेंस में ये होता है कि अगर इसको आप लेफ्ट में कर दोगे तो जो आपके लेफ्ट साइड के स्पीकर हैं आगे पीछे के वही बजेंगे, और अगर इसको आप राइट में कर दोगे तो आपके राइट के स्पीकर बजेंगे, ये अपना बैलेंस का होता है। और इसको बीच में कर देंगे तो भाई फिर अपने दोनों स्पीकर बजेंगे, लेकिन दोनों नहीं चारों बजेंगे भाई। उसके नीचे भाई अपना फेडर, फेडर की बात करें तो भाई फेडर का मतलब होता है कि जैसे इधर पे रियर लिखा है और हम इसको इधर कर देंगे तो अपने जो रियर के स्पीकर हैं वो सिर्फ वही बजेंगे, उसको फ्रंट में कर देंगे मतलब राइट साइड में स्वाइप कर देंगे तो भाई अपना जो फ्रंट के स्पीकर है वही बजेंगे। उसके बाद आता है भाई अपना AVC, अब AVC भाई मैंने 1, 2, 3 सब लेवल पे करके देख लिया, इसका मेरे को पता नहीं लगता क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। उसके नीचे आता भाई अपना स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको 2 स्पीकर बजाने हैं 4 स्पीकर बनाओ आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं भाई अपना ब्लूटूथ पे कि ब्लूटूथ में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं हमें। सबसे पहले तो भाई अपना इनिशियल सेटिंग देखते हैं, पहला है भाई अपना ब्लूटूथ का ऑन रखना है ऑफ़ रखना है, दूसरा अपना टोल वॉल्यूम की, जब भी आप अपना फ़ोन उठाओगे तो डिफ़ॉल्ट कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए वो अपना सेट कर सकते हो। उसके नीचे भाई अपना रिंग वॉल्यूम की, अपना फ़ोन आएगा तो गाड़ी में कितना तेज़ आवाज़ आनी चाहिए डिफ़ॉल्ट में। उसके बाद पेयरिंग में जाते हैं तो भाई पेयरिंग में अपना जो क्या नाम चाहिए हमें डिवाइस का क्या नहीं चाहिए, ये लिस्ट फुल दिखा रहा है, मतलब 4-5 जो भी डिवाइस हमने कनेक्ट कर रखे हैं इससे। उसके बाद अपना पासवर्ड वगैरह बना सकते हैं, तो इसका कोई मतलब है मच्छर ना भाई, कोई मतलब नहीं है, बेफालतू चीज़ें हैं ये। पेयरिंग भाई अपना नाम आ जाएगा कितने कितने हमने फ़ोन जो है इससे पेयर कर रखे हैं, तो इसमें भाई मैक्सिमम देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 फ़ोन आ जाते हैं भाई पेयरिंग फ़ोन लिस्ट में, वही है भाई अपना। उसके बाद भाई डिवाइस इन्फॉर्मेशन भाई जो भी आता है इसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती भाई इसमें कुछ भी। डायल में भाई फ़ोन कनेक्ट नहीं इसलिए खुल नहीं रहा है डायल में भाई, पता नहीं कॉल वोल हो जाता होगा। सिस्टम सेटिंग में जाए तो भाई बीप का आता, मतलब आपकी कार की स्पीड जब 80 से तो बीप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी में देखें तो भाई सिक्योरिटी में जाके हम अपने इसमें स्टीरियो में लॉक लगा सकते हैं ताकि कोई और हमारा जो है स्टीरियो ना छेड़ पाए, गाने वाने ना चला पाए, लेकिन भाई इससे क्या ही फ़ायदा यार, चला लो भाई गाने यार क्या चाहे गाने में। पर इसको लगाना चाहते हो तो भाई ऐसे स्क्रॉल करोगे तो अपना नंबर बढ़ते रहेंगे 6, 7, 8, 9, 10, और एंटर दबाओगे तो भाई अपना आगे और सेट कर सकते हो। उसके नीचे करें तो भाई नीचे अपना आता है अपना रीसेट का, रीसेट कर सकते हो। नीचे जाए तो भाई व्हीकल अलर्ट, यहाँ पे देखो अपना पार्किंग ब्रेक का आ जाएगा, सीट बेल्ट का, डोर ओपन का, लो फ्यूल का, सारी इसमें अलर्ट आ जाएंगे आपके स्टीरियो में। उसके नीचे अपना रिवर्स का, रिवर्स पे ये है कि अगर हम जैसे गाने सुन रहे थे आवाज़ पे
उसके बाद जो है अपना रिवर्स में लगा देंगे तो जो अपनी आवाज़ है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और जितनी भी आपने सेट कर रखी उससे बिल्कुल 5-10% पे हो जाएगी वॉल्यूम बिल्कुल, और जैसे ही नॉर्मल कर दोगे अपनी वापस पहले जितनी हो जाएगी। उसके नीचे आता भाई अपना ऑटो स्क्रॉल। अब ये पता नहीं भाई ऑन ऑफ करने पे क्या ऑटो स्क्रॉल होगा नहीं होगा, और होगा तो क्यों ही होगा भाई, हमें अपनी मर्जी से करना है। उसके नीचे आता भाई अपना RDS। RDS में देखे भाई ये अपना होता है रेडियो के लिए। उसके नीचे अपना स्मार्टफोन ऐप आता भाई, अब इसमें ऐप क्या ही कनेक्ट करोगे यार, जब इसमें आपको ब्लूटूथ या ऑक्सेस, तो भाई यही सब फीचर। अब देखो प्रैक्टिकल देखा जाए ना तो भाई इसमें सारे फीचर आ गए, बस अपना एक एंड्रॉयड ऑटो है और क्या एप्पल कार प्ले नहीं है, अदरवाइज तो भाई जितने प्रैक्टिकल लगते हैं वो सारे फीचर्स में है। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।